बैठे ये तमाम मौलाना बताएंगे हिंदुस्तान की औरतों को कि साहब हमारे बगैर मत जाइयो, महरम हुए तभी लेकर जाना वरना हज वज ना पढ़ना। देखिए इनकी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इनको ये है कि इनकी एक दो तीन पता नहीं कितनी बीवियां होती हैं, ये औरतों को समझते ही बकरी जानवर इस टाइप का है। और मैंने आप टीवी पे बैठकर डिबेट करा रही हैं, आप एक कामयाब एंकर हैं, ये जिंदा मिसाल है। सानिया मिर्जा नासा में खुशबू मिर्जा साइंटिस्ट जो हिंदुस्तान से जाकर सर अब मुझे इबादत की भी आजादी चाहिए, कौन छीनेगा वो आजादी हमसे बताइए, कौन मुस्लिम औरतों से इबादत की आजादी छीनेगा? सब आजाद औरतें बपोती नहीं है यहाँ मौलानाओं की, आप ये कान खोलकर सुन लीजिए और आप सुनिए तारिक फतेह क्या कह रहे हैं। तारिक फतेह आपको आजादी देंगे, मैं कुछ देर के लिए आपकी आवाज इसीलिए कम कर दूंगी क्योंकि मुझे अपने दोनों गेस्ट की आवाज सुनना जरूरी है, व्यूअर्स उनका भी इंतजार कर रहे हैं। दीन की ओवर टू यू फतेह साहब। भाई आप तो खामोश हो, मुस्लिम है ही नहीं वो आपको आजादी देंगे, बीवियों को आजादी नहीं दे सकते। हाँ आपके ये हालत आपकी दूसरी औरतों से आपके घर में क्या होता होगा मुझे तो उससे डर लगता है, कभी तो इज्जत से बात करें औरत से। दो दफा हज किया मैंने, हरम के अंदर कोई ना निकाब है और ना औरत मर्दों का अलग है, साथ में तवाफ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, माएं बहने समझते हैं, इनके जहन में सेक्स कभी नहीं खत्म होता तो फिर महरम की जरूरत ही क्या है? नहीं नहीं इनको हमेशा ऑन देयर माइंड देयर इज सेक्सुअलिटी, इनका कभी दिमाग साफ नहीं होता है, बदनीयत ही है कि औरत का एक ही इस्तेमाल है और ये हज के वक्त भी सिर्फ सेक्स के बारे में सोच सकते हैं, कभी तो सोचे इंसानियत में। हज जाके करके आए फिर बात करें किसी और को बादशाह। दो दफा किया मैंने, पांच दफा उमरा किया मैंने, मुझे नहीं पढ़ाएं कि क्या इस्लाम होता है, पर शक्ल होना जरूरी नहीं है मुसलमान होने के लिए। जीनत डॉक्टर जीनत वन लाइनर छोड़ते पता है साहब ने अपना वन लाइनर दे दिया है, अब आप बताइए। ठीक है बहुत बहुत स्वागत है। क्या शरिया ये कहती है कि अल्लाह के घर जाने में मुसलमान महिलाओं से भेदभाव होना चाहिए? क्या हज पर जाने के लिए भी महिलाओं के चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत होगी? और जब सऊदी अरब जो मरकज है जहां पर जाकर हज पढ़ी जाती है वो ये मानता है कि हज के लिए महिलाओं की उम्र और उनके साथ पुरुषों के जाने की पाबंदी नहीं है, तो फिर भारत में गैर इस्लामिक ये कैसे हो जाता है? आज टाल ठोक के सवाल, मोदी सरकार की नई हज पॉलिसी में भारत में शुरू हुए विवाद पर है। सरकार की नई हज पॉलिसी के मुताबिक 45 साल की महिला को हज पर जाने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं है, ये नई पॉलिसी है, और 45 साल से ज्यादा की चार महिलाएं अब एक ग्रुप में हज के लिए जा सकती है। यहां ये बताना जरूरी है कि मोदी सरकार ने जो नई हज पॉलिसी तैयार की है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाई गई कमेटी की सिफारिशों के आधार पर है, लेकिन भारत में मोदी सरकार की इस हज पॉलिसी का विरोध शुरू हो गया है। कई इस्लामिक संस्थाओं के मुताबिक ये फैसला शरीयत के खिलाफ है क्योंकि शरीयत के मुताबिक महिला सिर्फ अपने पति या फिर उन मर्दों के साथ हज पर जा सकती है जिससे वो उम्र के किसी भी पड़ाव पर शादी नहीं कर सकती, यानी महरम, मसलन पिता, सगा भाई, बेटा या फिर पोता। सवाल यह है कि जब सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश में महिलाओं के हज करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं तो भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में महिलाओं की आस्था पर, इबादत पर पाबंदी क्यों है? आखिर मुस्लिम महिलाओं की आस्था पर मौलानाओं की पहरेदारी क्यों जरूरी है? और देश में इबादत के नाम पर 70 साल से मुसलमान महिलाओं से भेदभाव की इजाजत क्यों देती जाती है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा पैनल इस मसले पर बातचीत करने के लिए है, हमारे साथ बातचीत करने तक आपके सामने नहीं रखता है, और इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है कि महिलाओं के लिए ये जो नई हज पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, ये सुझाव, ये रिपोर्ट जिस मंत्रालय से गई है उसी मंत्रालय के मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का जो पहला सवाल है वो तो यही है,
वो मुस्लिम महिलाओं के लिए है कि सर ये नई हज पॉलिसी है क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए? देखिए 2012 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उस जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शंस दिए थे और 2012 में खैर हम सरकार में नहीं थे, सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उसके बाद उसी तरह से वो जजमेंट और जो डायरेक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट के उसको मुझे लगता है कि ठंडे बस्ते में कहीं डाला गया था। खैर उस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से एक कमेटी बनी जो बहुत ही काबिल लोगों की है, बहुत ही जो जिनको जो कि जानकार हैं कानून के भी इस्लाम के भी, ऐसे लोगों की कमेटी बनी जिन्होंने कि लगभग 6 और 7 महीने तक लोगों से इस पर बातचीत की किस तरह से नई हज पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह से जो है उसके क्या क्या जो इश्यूज हैं, जो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग हज पे जाते हैं उनको कैसी सहूलियत हो सके, उसमें एक सब्सिडी का भी इशू था और भी कई इंपॉर्टेंट इशू थे। उस पर डिस्कशन के बाद उन लोगों की राय और शुमारी के बाद एक रिपोर्ट बनी। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर के कि थोड़ा कन्फ्यूज़न है, उसमें यह है कि जो बहुत दिनों से हमारे हिंदुस्तान हमारा में जो एक नियम है और एक व्यवस्था है हज को लेकर के कि औरतें जो हैं वो अकेले हज पर नहीं जा सकती, उसके लिए उनको महरम की ज़रूरत होती है, यानी महरम मतलब कि जो उनके कोई रिश्तेदार हो उनके खून का जिनका रिश्ता, वह ऐसे लोग जो है वो उनके साथ जा सकते हैं। हमने क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जिम्मेदारी भी है, हमारा देश एक सेकुलर देश है, तो हमने वो बैन वो प्रतिबंध कि औरतें अकेले नहीं जा सकती उस प्रतिबंध को हटाया है और साथ ही साथ उसमें एक साथ में साथ वो जोड़ा है कि अगर आपका मसलक आपका सेक्ट अलाउ करता है कि अकेले मुस्लिम महिलाएं हज पे जा सकती हैं तो वो हम अपनी तरफ से कोई बंदिश नहीं रखते, क्योंकि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तमाम ऐसे देश हैं जो कि इस्लामिक कंट्री के हैं, उन तमाम देशों से मुस्लिम महिलाएं हज पर जा सकती हैं। हमने तो 4 का ग्रुप तय किया है, हमने तो 4 के ग्रुप के बारे में कहा है, उन देशों से तो अकेले भी जाती हैं, हमने तो 45 साल की उम्र की वो करी है क्योंकि सऊदी अरब में इस तरह की एक व्यवस्था है, लेकिन सऊदी अरब की के जो अथॉरिटीज़ हैं उनका कहना है कि हमारे लिए कोई उम्र की कोई बहुत बड़ी सीमा नहीं है, लेकिन हमने शुरुआती दौर में एक ये निर्णय किया है और ये निर्णय हम मानते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। उसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है सर, आप जब आप इतने कदम आगे बढ़ गए तो फिर ये उम्र की पाबंदी क्यों लगाई गई, क्या वजह है? देखिए अभी सितारों के आगे जहां और भी है, अभी वक्त के इम्तहान और भी है, तो इसलिए जो है वो अभी शुरुआत है और अभी तो इतने साल हो गए और उसमें जो है वो औरतें जा ही नहीं पाती थी, इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो अकेले औरतें वहाँ पर हज करने जा रही हैं, हमारी जो सेकुलर कंट्री है उसकी औरतें हज करने पे नहीं जा पाती। हो सकता है कि कुछ सेक्ट ऐसे हों, इस्लाम में कई सेक्ट हैं, कई ऐसे मसलक हैं जो कि कहते हो कि साहब नहीं जा सकती तो वो ना जाएं, लेकिन जो सेक्ट अलाउ करता है, जो मसलक अलाउ करता है कि मुस्लिम महिलाएँ अकेले हज पर जा सकती हैं वो जाएँ, कोई इसमें बंदिश नहीं है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई रोक नहीं लगाएगी, ये क्लियर है। अच्छा मुख्तार साहब, आपने अभी बताया और हमें भी जब हम इस बारे में और जानकारी हासिल कर रहे थे तो ये पता चला कि सऊदी अरब में महिलाओं की उम्र को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, यहाँ भारत में तो इसे शरिया के ही खिलाफ बता दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ये शरियत के खिलाफ है महिलाओं का अकेले जाना या 4 के ग्रुप में जाना? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप का हज कहाँ होता है? सऊदी अरब में होता है, सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, अगर सऊदी अरब जो है वो औरतों को अकेले हज के लिए अलाउ कर रहा है तो क्या वो शरिया के खिलाफ काम कर रहा है क्या? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम एक सेकुलर कंट्री हैं और जो पाबंदियां लगती हैं वो सरकार की तरफ से कौन होती है, सरकार पाबंदी लगाने के लिए कि साहब हम ये जाएंगे ये नहीं जाएंगे? अगर सऊदी गवर्नमेंट अलाउ करती है तो हम पाबंदी नहीं लगाएंगे और ना लगाना चाहिए था, जो लगाया अभी तक वो गलत था, वो पाप था, इसलिए हमने वो पाबंदी हटाई है। मुख्तार साहब, सच में जब इस तरीके की चीज़ें सुनने और जानने में मिलती है कि अब तक ऐसा हो रहा था तो सदमा इस बात का लग जाता है कि 70 साल लग गए हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाओं को अपनी इबादत करने के लिए वो आज़ादी पाने में, क्यों लग गए 70 साल सर?
देखिए अब राइट टू एजुकेशन की बात है, राइट टू एजुकेशन की बात है, राइट टू फूड की बात है, तो राइट टू प्रेयर की बात भी होनी चाहिए, इबादत के अधिकार भी होने चाहिए। अब जो है वो सरकार ही अगर कह दे कि भाई तुम जा सकते हो तुम नहीं जा सकते, ये हम कौन होते हैं, ये हमारा काम नहीं है। अरे कम से कम जो लोग सेकुलरिज्म पे बहुत बात करते थे उनको तो ये पहले ही कर देना चाहिए था कि हम कौन होते हैं रोकने वाले भाई। अच्छा दूसरी चीज़ ये, आज जो है वो तमाम इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, कोई सर्विस कर रही हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचिंग के में है, कोई अलग अलग पुलिस में है, फौज में है, अलग अलग जगहों पे है। अब वो जो है वो उनको जो है वो हज पे इसलिए नहीं जा पाती थी, हमारे पास तो सैकड़ों कंप्लेन, सैकड़ों लेटर, जो कमेटी है उसके पास सैकड़ों महिलाएं आई, उन्होंने कहा कि भाई हम कहाँ से ढूंढे महरम कि डेढ़ महीने दो महीने के लिए हमारे साथ चलो आप हज के लिए, तो कोई हर आदमी बिजी है, अब हम कहाँ से ढूंढें कि हमारा जो है वो महरम होना चाहिए हमारे साथ जो है वो ब्लड रिलेशन का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि हमारे साथ जा सके, कोई नहीं मिलता था, वो नहीं जा पाती थी बेचारे। देखिए मुझे लगता है कि जिनको मुखालफत करना है, जिनको विरोध करना है, जिनको कोसना है, जिनको गाली बकनी है, जिनको मुस्लिम विरोधी कहना है, वो सब कहते रहेंगे, अगर आप इनको सुनेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग नहीं कर पाए उसका एक और भी कारण हो सकता है कि कुछ हमारे, मैं तो दुखी आलिम दीन नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा इस्लाम का बहुत बड़ा जो है वो ज्ञाता नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ, आम व्यक्ति हूँ। आप ये बताइए कि ये कौन कह सकता, कौन सा ऐसा मज़हब है, कौन सा ऐसा इस्लाम है जो कहता है कि साहब हम तुमको जो है वो हज के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और वो कंट्री जो कंट्री की इस्लामिक कंट्री है, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, वो कह रहा है कि आइए आइए आपको हम खैर मकदम करते हैं। हम कहते हैं नहीं, तुम खैर मकदम करते रहो, इस्लामिक कंट्रीज भेजती रहे, लेकिन हम जो है क्योंकि सेकुलर कंट्री है इसलिए हम औरतों को नहीं भेजेंगे साहब। तो फिर भी हमने वो भी नहीं, हमने तो बहुत ओपन रखा है, हमने कहा भाई सरकार की भूमिका इतनी सी है कि जो औरतें जो मसलक अलाउ करता है औरतों को ग्रुप में या अकेले भेजने के लिए, वो जो है वो भेजे, जो नहीं भेजना चाहता वो ना भेजे। ये कोई हम ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं कि भेजी दो भाई, ज़रूरी भी नहीं है कि कोई भेजे या ज़रूरी भी नहीं है कि कोई जाए। और एक और चीज़ है, ये भी समझ लीजिए कि इससे ये मतलब नहीं हुआ कि औरतें और जो ग्रुप में और मर्द और औरत साथ में जो जाते थे वो नहीं जा पाएंगे, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। इसमें कोई जैसे मर्द अकेले जा सकता था वैसी औरत भी अकेले जा हज करने जा सकती है, हज में शामिल हो सकती है, ये एक सीधी सीधी व्यवस्था है। और जो सरकार ने अपनी तरफ से बंदिश लगा रखी थी कि अकेले औरत नहीं जा सकती, उस बंदिश को हमने खत्म किया है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत मुबारकबाद। 70 साल बाद ही सही लेकिन महिलाओं को बहुत आज़ादी से इबादत करने का जो ये मौका है वो मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अब्बास नकवी साहब। देखिए बहुत सोच समझकर इस शब्द आज़ादी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो महिलाएं जिनका सच में कोई महरम नहीं है और जो चाहती हैं कि वो हज पढ़ सके, वो अब तक हिंदुस्तान से हज पढ़ने इसलिए ना जा सकी क्योंकि सरकारों ने इस पर बैन लगाया हुआ था। अब ये सिफारिश है कि इस बैन को हटा लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद देखिए यहाँ देश में एक बार फिर से विरोध के सुर जो है वो तेज होने लगे हैं और इसी पर आज ये बहस होने वाली, लगता है कि ये शरिया के खिलाफ है, जबकि औरतें इंडिपेंडेंट हो रही है, खुद मुख्तार हो रही हैं, वो कहाँ घूमती फिरेंगी अपने महरम को ढूंढने के लिए। ऐसी न जाने कितनी औरतें हैं जो तरसती है कि चलो हज पढ़ाए, लेकिन आप सब तो जा सकते हैं, औरतें बस इंतजार करती रह जाए। देखिए रूबिका, आपने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को भी सुना है, आपने अफजल अमानुल्लाह को भी सुना है, उन्होंने दोनों ने क्लियर किया है कि जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, अगर किसी स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर ये पाबंदी नहीं है कि वो बगैर महरम के जा सकती है तो वो जा सकती है, हम किसी के लिए पाबंद नहीं है। मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो देवबंदी है, मेरे स्कूल ऑफ थॉट्स में औरत को बगैर महरम के जाने की इजाज़त नहीं है, तो आप उसको आज़ादी के साथ प्लीज़ मत जोड़िए। चूँकि हर औरत जानती है, जो मुसलमान है, जो अपने किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स को मानती है, वो जानती है कि मुझे कैसे और कैसे कैसे इबादत करनी है। टीवी या अखबार हमें अब दीन नहीं सिखाएंगे,
दीन तो शरीयत के मुताबिक ही चलेगा, जो भी स्कूल ऑफ थॉट्स कोई मानता है उसके हिसाब से ही उसको माना जाएगा। हम अगर बैठकर समझ नहीं आ रहा है, वहाँ वो मरकज है, वो ये कह रहा है कि आप 45 साल की औरतों को आज की तारीख में वो देवबंद को फॉलो करने वाली औरतें तो बड़ी खफा हो रही होंगी। रूबिका आपका सवाल गलत है, बड़ी दुखी हो रही होंगी कि साहब रूबिका ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है कि हमें आजादी इबादत करने की। रूबिका आपका सवाल गलत है, रूबिका आपका सवाल गलत है। ये आप क्यों कह रही हैं कि सऊदी अरब की शरीयत अलग है हमारी अलग है? हाँ बिल्कुल, इसलिए डिसाइड कर रहा हूं कि सऊदी में जो लोग हैं वो मसलक के हनाबिल हैं, वो हम्बली मसलक के लोग हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल को मानते हैं, हम इमाम अबू हनीफा को मानते हैं, सऊदी अरब को फॉलो करते हैं। जो स्कूल ऑफ थॉट्स है जिनका जिक्र दोनों लोगों ने किया है किसी भी लिमिट किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगा रहे, तो आप क्यों लगा रहे हैं? तो आप इसमें शरीयत अच्छा अंबर जैदी को सुनिए ना, कल आपके साथ कहीं डिस्कशन किया होगा शायद अंबर जैदी ने, वो कुछ बता रही है, कल का आपका वाकया शायद आप ही खुद भूल गए हैं। कल आप ही ने कहा था जब हम जी हिंदुस्तान पे डिबेट में हम इसी टॉपिक पे डिबेट करे, तब आपने कहा था कि सऊदी अरब इस्लामी मरकज है और हम सऊदी अरब को मानते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मरकज है। तो अब जब सऊदी अरब खुद इस चीज की इजाजत दे रहा है तो आप क्यों इस फैसले से को नकार रहे हैं, बताइए। अब इसमें शरीयत में कहां से मुदाखलत हो जाती है? अंबर जब आप जिस स्कूल ऑफ थॉट से आप आते हैं उस पर बात कीजिए, ये तो कोई बात ही नहीं, हज तो सबके लिए एक है ना, हज तो अलग नहीं होती ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं और हज करती हूँ और आप कहीं और हज करके आते हैं। आप अपने स्कूल ऑफ थॉट्स को जानिए, शिया मसलक में किन लोगों को जाना चाहिए किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, आप उस पर बात कीजिए। मैं हज यात्रा नहीं करना चाहती हूँ, हज में मैं नहीं करना चाहती हूँ, अंबर यही होगा, यही हज करने में ईरान नहीं जाऊंगी, हज कपड़े की जगह होता है। आपको अगर कहीं और कुछ लड़ाई लड़नी होगी तो आप कहेंगे इस्लाम कोडिफाइड रिलीजन है, आपके पास जब डिबेट है बोलने की और जैसे होता तो आप बस आपको योजना नहीं करना होता है, आप कहेंगे डिफरेंस स्कूल ऑफ थॉट से नाइश हसन ये ओल्ड नाइश हसन कहीं आप कहीं और अगर चाहिए ना को भी छोड़ दीजिए, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, कौन मना कर रहा है? जाना चाहे तो अगर आप चाहें कि अंबर जैदी के साथ मेरे साथ और जो मैम बैठी है हम चार ग्रुप बनाकर जाए जरा हज पढ़ आए, लेकिन अगर आप देवबंदी हैं तो फिर नहीं कर पाएंगी। एक तो नहीं देखिए अभी हम लगता है ये मौलाना वापस जा रहे हैं और दूसरे ये करेक्ट कर लीजिए, अब वो पढ़े या करें वो नमाज होती है, वो नमाज होती है, अगर उन्होंने पढ़ा नहीं जाता वो कोई किताब नहीं कि आदमी उसको बैठ कर वहाँ पढ़ता है, वो कुछ आमाल है जो वहाँ जाता है, करना होता है हज हज परफॉर्म करना होता है ना, अगर बोलने नाइश हसन नाइश हसन का मतलब वही है हज करने नाइश हसन। देखिए मैं दो बातें कहना चाहती हूँ, पहली बात तो ये है कि अभी हम जिस जमाने में लगता है वापस लौट रहे हैं जहाँ हर मौलाना एक अपने आप को स्कूल ऑफ थॉट बना रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं सभी लोगों को मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, मैं शिया इमाम को भी मानती हूँ, मैं हनफी को भी मानती हूँ, मैं इमाम अबू हनीफा को भी मानती हूँ, मैं सबको मानती हूँ, पर मैं कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं हूँ, मेरा सवाल वाजिब इसलिए है कि एक शिया स्कूल ऑफ थॉट से औरत आकर देवबंदी मसलक की औरतों को क्यों पढ़ाएगी भाई? जो वजीर हैं इस काम के जिन्होंने रिपोर्ट तैयार कराई है उन्होंने भी इसी पर बात की है कि जो स्कूल ऑफ थॉट जाना चाहे वो जा सकता है, किसी पर जोर नहीं है, बिल्कुल सही कह रही है, नहीं आपको भी इजाजत नहीं है हर किसी को ऐलान करने की, कोई भी आपको लिबर्टी नहीं ले सकते, आपने तमाम औरतों की आजादी को बंद किया, एक सेकंड खामोश हो जाइए, इत्मीनान बरतिए, सब्र रखिए और सुनिए नाइशा सर क्या कह रही है, इनको आदत है चिल्ला चिल्ला के। नाइशा सर मैं कह रही हूँ औरतों के हक के सवाल में स्कूल ऑफ थॉट की हदबंदियां खत्म कीजिए, क्योंकि मैं सारे स्कूल ऑफ थॉट को अगर मानती हूँ, मैं शिया को भी मानती हूँ, मैं सुन्नी को भी मानती हूँ, मैं अबू हनीफा को भी मानती हूँ, लेकिन मैं किसी लाइन पे नहीं हूँ कि मैं फलाने स्कूल ऑफ थॉट की लाइन पे, मैं इस्लाम को मानती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, दैट इज ऑल। तो ये अब आप क्या करेंगे इसका क्या,
आगे ले जाना चाहती हूं वरना ये यही खत्म हो जाएगी कि वो तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स को माने स्कूल ऑफ थॉट्स को ना माने मैं शियाइज्म भी फॉलो करती हूं मैं सुन पा रही हूं फॉलो करती हूं महिलाएं न जाने कितने स्कूल ऑफ थॉट्स भी आपके बड़े आलिम हैं उनसे ये कौन डिसाइड करेगा साहब आपके कहने से क्या होता है अच्छा सर आपके कहने से होता है आप डिसाइड करेंगे कौन क्या है आप क्या करेंगे ना किसी स्कूल ऑफ थॉट्स की आप जो है इतनी बड़ी हैं कि जो आप कह देंगे वो मान लिया जाएगा डेढ़ मिनट का आपने अच्छा फहीम बेग साहब एक एक बात तो जरा आप जाइए जितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं नाइशा सर प्लीज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या नॉलेज है एक सेकंड नाइशा सर एक सेकंड मौलाना कलबे सादिक से मौलाना साहब आप रुक जाइए जवाब से कहिए उनसे बात कीजिए आप अपने बारे में एक सेकंड उनसे क्यों बात करें ये जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं ये सारी पाबंदियां महिलाओं पर भी क्यों मर्दों पर क्यों नहीं है फहीम बेग साहब क्यों नहीं ये उसी स्कूल ऑफ थॉट से आती हैं नहीं मैं आती ही नहीं हूँ मैं पैदा हुई तो मुझे किसी ने नहीं बताया तुम फलाने स्कूल ऑफ थॉट क्यों मुझे ये बताया गया कि सर मैं आपको उनकी ये पर्सनल लड़ाई नहीं है ना सर मैं महिलाओं के हक की लड़ाई है आपको आपको किसी स्कूल ऑफ थॉट पर पीएचडी करनी है मौलाना साहब यू आर फ्री टू डू इट बिना वजह टीवी पर बैठकर बगान करने से कुछ नहीं होता मैडम एक सेकंड आवाज थोड़ी सी सही कर दीजिए मुझे फहीम बेग साहब के पास आप तो वही कर रहे हैं ये सारे स्कूल ऑफ थॉट्स में महिलाओं पर ही क्यों पाबंदी है आई फेल टू अंडरस्टैंड देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि किसी पे कोई पाबंदी नहीं है कुछ क्रियाकलाप हैं कुछ विधिवत चीजें हैं जिनको जिस प्रकार से करना चाहिए और एक मोटी मिसाल दे के समझा दूं जिस प्रकार अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीज़ों की नहीं है अलग अलग पूजा पद्धति है ऐसे इस्लाम में भी अपना एक सिलसिला है और ये मैं आपको जो उसकी सच्चाई है मैं उस पर ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा महरम और गैर महरम तो बहाना है असली निशाना तो कुछ और है हम इन बातों के चक्कर में बहुत बड़ी बातें भूल गए इस पॉलिसी के तहत क्या निशाना है इस पॉलिसी के तहत हज सब्सिडी को खत्म किया गया 21 पॉइंट्स से कम करके 9 पॉइंट्स बनाए गए एम्बार्केशन यानी बात ही नहीं कर रहे आप सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहे हैं सीधा सीधा इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नई हज पॉलिसी लाई जाए सुन लीजिए 2012 में तो ये सरकार थी ही नहीं अब आप थोड़ा तो होमवर्क कर लीजिए सर पहले आप मेरी पूरी जानकारी सुन लीजिए फिर उसके बाद आप बात कीजिएगा और जो 70 साल के बुजुर्ग थे हज पे जाना चाहते थे अब उनको लॉटरी में डाल दिया गया है ये बड़ी आजादी की बात कर रहे हैं अब जो 70 वर्ष का व्यक्ति या महिला या पुरुष है उसको लॉटरी में जाना पड़ेगा पहले बिना लॉटरी के उसको हज पे जाने की आज्ञा मिलती थी ये बड़ा अपना दिल खोल के बता रहे हैं कि हमने बड़ा अच्छा काम किया है अरे क्या खाक अच्छा काम किया है जो 70 वर्ष का व्यक्ति है या महिला या पुरुष है जो अभी पता नहीं कि अगले साल तक जिंदा रहेगा नहीं रहेगा आपने उसको लॉटरी में वापसी ला दिया अब उसका नसीब क्या है आता है या नहीं आता है फिर वो अगले साल का इंतजार करेगा जबकि लेकिन ये जो फहीम बेग साहब कह रहे हैं जरा प्लीज ये गलत फहमी तो दूर कर दीजिए इसलिए क्योंकि हज आप कब करेंगे जब आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो जाए और फिर आपके पास इतना बच जाए कि आप वहां जाकर हज कर पाए अगर मुझे वो हज के लिए कोई रकम देगा दान देगा अरे, तभी मैं हज करूंगी और ये कितना जायज है बता दीजिए मुझे देखिए रुबिका मैं तो ये चाह रहा बात था, पूरी नहीं हुई है चाह रहा था पर आप फहीम बेग साहब एक सेकंड आप समझिए मेरे पास बहुत सारे मेहमान हैं तारिक फतेह साहब बैठे हुए हैं वहाँ जीनत मैम बैठी हुई हैं मैं किसी से बात नहीं कर पाई हूँ एक सेकंड रुक जाइए सबको एक बार इन्वाइट कर दो तारिक फतेह आ गए क्या दूसरे वाले भी आ गए जी 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 सुनिए रुबिका दो बात गिनेंगे आप रूबिका दो बातें बोल रहे हैं ये बदतमीज लोग हैं ये बीच में बोलते रहेंगे दे सफर फ्रॉम वर्बल डायरिया ये बीच में बोलते रहेंगे ये दे सफर फ्रॉम वर्बल डायरिया प्लीज कीप क्वाइट प्लीज को लेट मी टॉक टू रूबिका देखिए ऐसा है कि एक इस्लाम की म्यान है तारिक फतेह इस्लाम की म्यान है इस्लाम की म्यान है जिससे ये शरिया की तलवार निकालते हैं और औरत के गर्दन पर चला देते हैं ठीक है आज कम से कम आपके शो पर मैं लड़ लड़के आज आप 10 बजे का अपना प्रोग्राम अगर देखें
मैंने मौलानाओं से पूछा था, अरे भाई कौन सी शरिया, कौन से स्कूल का शरिया? तो आज पहली बार टीवी पर यह चीज क्लियर हो गई, मौलाना साहब ने बोल दिया भैया उनका शरिया अलग है और हमारा अलग है, हमारा अलग है उनका अलग है। तो ये बेगानी शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात है। मौलाना हिंदुस्तान में बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं, औरत औरत उनके हाथ से निकल रही है रूबिका, ये बौखलाए परेशान हैं, ये खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोच रहे हैं, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे बदतमीजियां करते हैं, ये बहकी बहकी बातें करते हैं, बदतमीजियां करते हैं रूबिका। तारिक फतेह के जुड़वा, आप लोग इन जाहिल लोगों को टॉक शो में क्यों बुलाते हैं? आप हमें बताएंगे क्या? छठी सदी के लोगों को टॉक शो में क्यों बुलाते हैं? आई विल गेट तारिक फतेह इन द डिबेट। तारिक फतेह साहब, पता नहीं मुझे जो याद पड़ता है, मुझे हुजूर की, पता नहीं मुझे हुजूर की पत्नी खदीजा याद आती हैं, जो जो सबसे पहली बिजनेस वुमन थी। जब वो ट्रेड करने जाती थी तब वहां वो महरम लेकर नहीं जाती थी, शी वॉज अ फ्री वुमन, एक इंडिपेंडेंट औरत थी। और आज हिंदुस्तान में बैठे ये तमाम मौलाना बताएंगे हिंदुस्तान की औरतों को कि साहब हमारे बगैर मत जाइयो, महरम हो तभी लेकर जाना, वरना हज वज ना पड़ना। देखिए, इनके सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, इनको ये है कि इनकी एक दो तीन कितने कितनी बीवियां होती हैं, ये औरतों को समझते ही बकरी जानवर इस टाइप का है। और मैंने आप टीवी पे बैठकर डिबेट करा रही हैं, आप एक कामयाब एंकर हैं, ये जिंदा मिसाल है। सानिया मिर्जा, अरे भाई, नासा में खुशबू मिर्जा साइंटिस्ट जो हिंदुस्तान से जाकर ये है इनका। सर अब मुझे इबादत की भी आजादी चाहिए, कौन छीनेगा वो आजादी हमसे? बताइए कौन मुस्लिम औरतों से इबादत की आजादी छीनेगा? सब आजाद है, औरतें बपोती नहीं है यहाँ मौलानाओं की। आप ये कान खोलकर सुन लीजिए और आप सुनिए तारिक फतेह क्या कह रहे हैं। बिल्कुल कायदे में रहेगा, आपको आजादी देंगे। मैं कुछ देर के लिए आपकी आवाज इसीलिए कम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने दोनों गेस्ट की आवाज सुनना जरूरी है, व्यूअर्स उनका भी इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू यू फतेह साहब। आप तो खामोश हो, मुस्लिम है नहीं वो आपको आजादी देंगे? बीवियों को आजादी नहीं दे सकते? आपके ये हालत आपकी दूसरी औरतों से, आपके घर में क्या होता होगा, मुझे तो उससे डर लगता है। कभी तो इज्जत से बात करें औरत से। दो दफा हज किया मैंने, हरम के अंदर कोई ना निकाब है और ना औरत मर्दों का अलग है, साथ में तवाफ करती है, साथ में हम नमाज पढ़ते हैं, महरम भी ना महरम हो जाता है, माएं बहनें समझते हैं, इनके जहन में सेक्स कभी नहीं खत्म होता है, तो फिर महरम की जरूरत ही क्या है? नहीं नहीं, इनको हमेशा दे ऑन देयर माइंड देयर इज सेक्सुअलिटी। इनका कभी दिमाग साफ नहीं होता है, बदनीयती है कि औरत का एक ही इस्तेमाल है और ये हज के वक्त भी सिर्फ सेक्स के बारे में सोच सकते हैं। कभी तो सोचे इंसानियत में, हज जाके करके आए फिर बात करें किसी और को। बादशाह, दो दफा किया मैंने, पांच दफा उमरा किया मैंने, मुझे नहीं पढ़ाएं कि क्या इस्लाम होता है, बट शक्ल होना जरूरी नहीं है मुसलमान होने के लिए। जीनत डॉक्टर जीनत वन लाइनर छोड़ते पता है साहब ने अपना वन लाइनर दे दिया है, अब आप बताइए। जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस्लाम में इस किस्म की कोई भी बंदिश नहीं है, जहाँ औरत इंडिपेंडेंटली हज पे जाए या कोई बिजनेस करे या कोई अच्छा काम करे या डॉक्टर बने या नर्स बने। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देयर वाज अ लेडी जिसका नाम था अस्मा बिन्त उमैस। वो रिलीजियस फ्रीडम के लिए, और यंग लेडी थी वो, कोई 45 की नहीं थी, वो जो है वो रिलीजियस फ्रीडम के लिए सी से ट्रैवल करी बाय दरिया, और उससे रसूल बहुत खुश थे कि वो अपनी जिंदगी ढूंढने निकली। तो ये सब जो हमने बनाया है और शरीयत के अंदर डाल दिया है, ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं हैं। और जो इस्लाम है वो औरत को पूरी इंडिपेंडेंस दिया है। बहुत सारे फतवे निकले एंटी वुमेन,
विमेन वर्क नहीं कर सकती, विमेन अर्न नहीं कर सकती। मैं आपको एक डजन आयतें कुरान की बताऊं जहां विमेन इंडिपेंडेंटली बैत दिया उनकी शौहर उनके भाइयों के पहले, बैत यानी कि शी एक्नॉलेज द लीड अ वोट, कास्टिंग अ वोट। तो औरतों को हर किस्म, एक लेडी थी जो हजरत उमर का फतवा उन्होंने रद्द कर दिया। तो नहीं तो मुझे ये बताइए डॉक्टर शौकत, नहीं फिर क्या वजह है कि जो जो इस्लाम आप समझती है, जो इस्लाम अंबर जैदी समझती है, जो इस्लाम तारिक फतेह समझते हैं, जो इस्लाम डॉक्टर रिजवान समझते हैं, जो इस्लाम यहाँ पर नाइश हसन समझती हैं, वो ये बाकी समझने को इनकार करते हैं, वो समझना ही नहीं चाहते। क्या वजह है? इसके पीछे कुछ तो सोच होगी ना, वो क्या सोच है? इनका धंधा है, धंधा। जी जी निकलने को तैयार नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट द टेनेट्स ऑफ इस्लाम। लेट मी टेल यू, ठीक है आपने कहा ये, मैं वही तो समझ रही हूँ, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये लोग कौन है जो आप वाला इस्लाम या जो मॉडर्न इस्लाम को समझने से ना करते हैं। क्या इसके पीछे वजह है? गलत अनाप शनाप कहते रहते हैं। तारिक फतेह जल्दी से बताइए जी, 20 सेकंड में मुझे सबसे बड़ी चीज इनको पता है, ताकत को एस्टैब्लिश करने के लिए जब औरतों को आजादी मिलेगी तो इनके पास दो दो तीन तीन बीवियां नहीं होंगी। इनको इससे खौफ है कि शहर की बीवी अलग, गांव की बीवी अलग। मैं आपको बताता हूँ कौन है ये आप रूबिका, मैं आपको बताऊँ कौन है, इनका धंधा खत्म हो जाएगा। ठीक है मैं जो समझ पा रही हूँ आप ये कह रहे हैं कि अगर 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 ये एक्सपोज हो गए तो इनका शटर डाउन हो जाएगा। डॉक्टर रिजवान मुझे बताइए क्यों, कौन है ये लोग? रूबिका डॉक्टर देंगी जी, आपने तारिक भाई से एक बात पूछी, आपने तारिक भाई से एक बात पूछी कि ये लोग कौन हैं? देखिए मैं आपको और खूबसूरती से बताता हूँ, तारिक भाई आप भी सुनिएगा। आपने सुना होगा प्लेन हाईजैक हो गया, प्लेन हाईजैक हो गया तो सिर्फ प्लेन हाईजैक नहीं होता रूबिका, ये इस्लाम को हाईजैक करने वाले हाईजैकर हैं, हाईजैकर। तो इन लोगों को पकड़ के हम लोगों को जेल में डालना है, ये हाईजैकर है इस्लाम के। मजहब भी हाईजैक होता है रूबिका, जिंदगियां हाईजैक होती हैं। जैकर नहीं है ये, जोकर है, एंटरटेनमेंट। हाँ हाई जोकर कह दीजिए, हाई जोकर कह दीजिए, हाई जैकर। अच्छा बताइए फहीम भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? जोकर कह दीजिए, ये बचकाने और जाहिल लोग आपने बिठा दिए हैं, मुझे ये समझ में आ गया। आपने बिठा दिए हैं इन चारों के, अगर इन चारों के कहे को मैं मानूं तो ये वो लोग हैं जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये वो लोग हैं जो पेट्रियार्की सोच में यकीन रखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को हाईजैक कर लिया, वरना इनके अलावा उलेमा और कौन कहलाएगा? बरगला कर रखना चाहते हैं, बताइए। बिल्कुल ये हाईजैकर हैं, हाईजैकर। मैं आप कुछ बोलूं अगर दोनों तारीफ फतेह भाई कुछ हो गया तो सर? अच्छा तो फिर नाइश हसन को आप क्या कहेंगे, अंबर जैदी को आप क्या कहेंगे, डॉक्टर जीनत को आप क्या कहेंगे? आपका डिबेट का कौन सा तरीका है ये? आप क्यों मौलाना को बदनाम करने पे तुली है भाई? मौलानाओं को नहीं चाहिए, ये चोर चोर मुसरे भाई, एक कादियानी है, एक नास्तिक है, ये बताएंगे मौलाना क्या है? जो असल इस्लाम को गलत कर रही है साहब। अरे आप अपने बातों का पूरा क्यों मान रहे हैं भाई? ये तरीका आपका सही नहीं है, ये कादियानी है। सुनो साजिद साजिद साहब खामोश रहिए, ये कादियानी शैतान बताएगा हमें मौलाना क्या होता है? अरे साजिद रशीद नहीं, आप अपनी सारी बातें रख सकते हैं, सब सब को अपनी बात रखने का पूरा हक है। मैं क्लियर कर दूं, एक सेकंड मौलाना साहब, ये बताएगा हमें इस्लाम क्या है? मौलाना साहब अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, ये क्या तरीका है? शब्दों का इस्तेमाल नहीं होगा, आता ही क्या यही तो आता है डिबेट में, जब फिर बोलने के लिए होता है तो बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करने के अलावा आता ही क्या उनको? ये इस्लाम बताएगा? एक सेकंड एक सेकंड, तो कौन बताएगा? आप बताएंगे इस्लाम? आप बताएंगे आप तो शब्दों में दबाव रखना चाहते हैं, वो बताएंगे इस्लाम? सऊदी अरब ये कह रहा है कि साहब हम वीजा देने को तैयार हैं, हमारे यहाँ पर औरतें बगैर महरम के आ सकती हैं, और आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, तो कौन गलत इस्लाम बता रहा है? करने पर डिबेट की है, ये तरीका क्या है आपका डिबेट करने का?
कौन बदनाम कर रहा है? आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक एक आलिम शख्स बैठा हुआ है जो इस्लाम को बहुत अच्छे से समझता है। आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया है। इस्लाम को मैं ही समझता हूँ और कोई ना समझता। इस्लाम नाम क्या पता नहीं है? रूबी का आप भी वैसी ही हैं। रूबी का आप भी कादियानी हो। आप भी इस्लाम की निशानी है सर। आपके साथ कुछ भी नहीं है। सब काफिर हैं। इस्लाम की खिल्ली उड़ा रही हो आप बैठकर। रूबी का इस्लाम की खिल्ली उड़ा रही हो बैठकर। देखो इस्लाम की नहीं, इस्लाम को बदलाने वाले, इस्लाम को गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश करने वालों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। रूबी का शर्म आनी चाहिए आपको। क्लियर है ये बात? रूबी का शर्म आनी चाहिए आपको। आपको इस बात की शर्म आनी चाहिए। आप न जाने कितनी दफा हज पर जा चुके हैं, कितनी दफा औरतों को गैर महरम के साथ देख चुके हैं, कितनी दफा वहाँ तवाफ लगाते हुए देखा है कि औरतें बेपर्दा होती है, सिर्फ सर ढका हुआ होता है, वही लिबास पहने हुए होती है जो अल्लाह के घर में पहनने की इजाजत होती है, उसके बावजूद आप यहाँ पर इस्लाम को गलत तरीके से पेश करते हैं। नॉट एक्सेप्टेड। या इस पर बात करेंगे मौलाना कैसे होते हैं? नॉट एक्सेप्टेड सर। मौलाना जाके बीवी को डांटिए। आप गालियां दिलवा रहे हैं, दूसरी औरतों को क्यों झाड़ रहे हैं? आप होते कौन हैं? आपकी सच्चाई सामने लाई जा रही है बस, और कुछ भी नहीं है। बेग साहब, आप कुछ बोलू क्या? क्या आप मुसलमान है? क्या है? अब बेग साहब आप बोलिए, आप कैसे डिफेंड करेंगे? मैं सुनना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। राशिद साहब आप पानी पी लीजिए एक ग्लास, आप पानी पी लीजिए, खामोश हो जाइए, इत्मीनान बरतिए, अल्लाह का नाम याद कीजिए और पानी पीजिए। एक सेकंड मैं बेग साहब से बात कर लूँ अब। हाँ बेग साहब, बोल लीजिए सर, अब सुन रहे हैं आपको। फहीम बेग साहब जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, कहते हैं ना बा आवाज बुलंद। मगर मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। हेलो, सर यही तो प्रॉब्लम है, आप हमें सुन ही नहीं पाते हैं। सुनना चाहते नहीं एक्चुअली, बगैर सुने ही आप सारी बातें कह देते हैं। अब देखिए आप जब सुनने वाली बात है, आप सुनाई आ रहे हैं, जो सुनना नहीं चाहते थे वो सुनाई नहीं दी आपको। काम की बात है, सुनाई नहीं देती। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आप इतने इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम लगाने का काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और इतना निर्दयी ना समझिए, ये सब बातें राजनीति की हैं। प्लीज इनको इस प्रकार से दूसरे मुद्दों से ध्यान आकर्षित न करके इन जैसे मुद्दों को, कोई पटाखों पर बैन लगवा रहा है, कोई विसर्जन को रोक रहा है, कोई बकरईद को रोकना चाहता है, कोई महरम और महरम के चक्कर में घुमाना चाहता है। अरे भाई इस देश में अब हो क्या रहा है? अरे भैया इस देश में 132 करोड़ आबादी वाले देश में अब जन समस्याएं, अमेरिका में जाके बताऊंगा क्या मैं बेरोजगार हूँ? अब अमेरिका में जाकर बताऊंगा क्या कि मेरे देश में काम कर रहा है? सुनिए, सुनिए नहीं ना, ये बात काम की बात है, सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। डॉक्टर जीनत, अंबर जैदी, रूबिका लियाकत हज पर जा रही है अगले साल, राहुल गांधी चारों जा रही है जाकर, ये खुशी की बात है आपके लिए कि नहीं है? रूबिका जी देखिए, मैं आपसे एक बड़े विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, क्या इन जन समस्याओं को अब राहुल गांधी की तरह हम अमेरिका में जाके बताएंगे? अरे सर, क्या? हज, अरे हज के ऊपर क्या मुझे ये बताइए? राम बाबू नहीं, हज के ऊपर क्या? मैं कह रही राम रहीम और राम रहीम और हनीप्रीत में घुमाते रहेंगे अगले साल हज पढ़ने के लिए, किसी महरम के बगैर जा रही है, ये बात अच्छी है कि बुरी? अरे भाई ये बना रहे हैं इस वक्त, अच्छी है कि बुरी? हलवाई की किसी के ऊपर, किसी हलवाई की दुकान पे जाइए, कोई पाबंदी नहीं है कि बुरी? बात सुन लीजिए ना, ये खबर अच्छी है कि बुरी? अब आप सुन, हद हो गई है, सुनिए मेरी बात। खबर ये हमेशा से अच्छी थी, बुरा और अच्छा आपने बनाया है।
अपनी टीआरपी के चक्कर में, और आप बढ़ाइए, मुझे कोई एतराज नहीं। अरे आपने दुकान लगाई है, आप सौदा तो बेचेंगे, ये बताइए। अच्छा टीआरपी तो मुझे चाहिए ना, डॉक्टर जीनत को क्या चाहिए, गुजारिश कर रहा हूं अंबर जैदी को क्या चाहिए, नाइश हसन को क्या चाहिए, किसी की भावनाओं से मत खेलिए, इनके लिए तो अच्छी खबर है ना। 45 साल की जो कैद लगाई है, आप इनसे भी सवाल आपने किया था, बहुत अच्छा सवाल चाहिए, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये फरमान नहीं है, ये एक एडवाइजरी है, ये आपकी अपनी मंशा पे है, आप जाइए या ना जाइए। आप इसको इतना बड़ा इशू बनाकर आजादी, महिलाओं ने जंजीरें तोड़ दी, अरे इसके अलावा भी कुछ और है क्या? महिलाओं के वो इशू, मुस्लिम महिलाओं के जो उनकी शिक्षा से जुड़े हैं, जो उनकी जो उनके रोजगार से जुड़े हैं, जो उनकी इज्जत से जुड़े हैं, वहाँ आपकी जबान से जाती है। इस तरह के मुद्दे जिनका अपने ऊपर करना न करना उस महिला के अपने ऊपर डिपेंड करता है, उनको आप उछालते हैं। अरे कभी आपने सोचा कि मुसलमान औरतें क्यों नहीं कर पा रही हैं? मुसलमान औरतें कारोबार क्यों नहीं कर पा रही हैं? मुसलमान औरतों की इज्जत क्यों नहीं कर रही हैं? औरतों के साथ हाँ भाई जाएगा तो ही जाऊंगी, अगर वो ना जाना चाहे तो मैं मासूम हाथ जोड़ के बस विनती कर सकती हूँ, ले चलो। ये सच्चाई है कि नहीं है? नाइस बता, नाइस सच्चाई है कि नहीं है? नाइस सच्चाई है कि नहीं है? नाइस सच्चाई है? नहीं, ये अकेली क्यों नहीं चली गई? इनसे पूछिए, ये भी महरम के साथ हज करके आई है। मैं और मेरी शर्म आनी चाहिए टीवी पर बैठकर इस तरह की बातें कर रही हैं। सब कुछ शर्म आ जाए, बस आपको शर्म नहीं आ रही, शर्म आनी चाहिए आप और किसी के साथ। ये खुद महरम के साथ हज करके आई हैं और टीवी पर बैठकर इस तरह किसी के साथ भी जाए हज पढ़ने के लिए, आप कौन होते हैं? अभी कह रहे हैं कि जाकर किसी और से, जहां स्कूल ऑफ थॉट आपका है, उससे जाकर बात कीजिए, मुझसे नहीं। सब इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग हैं। इस्लाम को नहीं, इस्लाम को बदनाम करने वालों की पोल खोलने के लिए यहां पर इस्लाम कादियानी है, तारिक फतेह कादियानी है, तारिक फतेह कादियानी है, इस्लाम कादियानी है सब। और आप क्या कह रहे हैं? सब काफिर है, सब स्कूल ऑफ थॉट से आती हैं। आप कौन से इस्लाम को बताना चाहती हैं? अंबर भी कादियानी, आप कौन सी हज पॉलिसी पर बात करना चाहती हैं? आप ये तरीका डिबेट का अच्छा नहीं है आपका। चलिए, मुझे पता नहीं था कि मैं कादियानी हूं, आज पता चल गया। आप शुक्रिया, सारी कुंडली तो सर आप ही को पता है। आपका डिबेट का अच्छा नहीं है। रश्मि साहब, सब तो आपको पता है, हमें तो कुछ नहीं पता है। आपके पास आना चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स तो आप ही लेकर बैठे हुए हैं, आपको पूछ लेना चाहिए था कि बताइए साहब क्या की बात क्या करते हैं। आप मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? आप मुद्दे पे बात करने के लिए कुछ होता तो है नहीं, फिर आप मुद्दे से भटक के ठीक है, आप मेरे भाई को लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत कम बातें जाते जाते। डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर रिजवान, अभी तो लड़ाई आगे और लड़नी है, 45 के आगे जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। एग्जैक्टली कोई भी एज लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, 18 साल की लड़की क्यों नहीं जा सकती? नीचे जाना, जब कंसेंट जब 18 साल है तो 18 साल की लड़की से नीचे जाना, हज पे भी जाना चाहिए ना। रूबिका, हाँ, एक तो आपका शुक्रिया कि आज मैं जितना आज रूबिका आज मैं जितना हंसा हूंगा, इतना कॉमेडी नाइट विद कपिल पे नहीं हंसा जितना दोनों मौलानाओं ने मुझे हंसाया है, पहली बात। दूसरी बात रूबिका, जो लोग 45 साल की औरत को हज पे नहीं जाने दे रहे रूबिका, वो सोचो कि वो 20 साल की लड़की को नौकरी करने कैसे जाने देंगे और हायर एजुकेशन करने कैसे जाने देंगे। Exactly. ये आप सोचो, आप इनकी मेंटेलिटी देखो, ये लंबी डिबेट है, मुझे लगता है इस डिबेट को एक और पार्ट में फिर से हमें साथ में बैठकर, और मुझे यकीन है अभी सर क्यों पसीना पोंछ रहे हैं राशिद साहब, अभी हमें और इस पर डिबेट करनी है, लंबी डिबेट करनी है, और आपको मनवा कर रहेंगे कि औरतें गैर महरम के साथ अब तो ग्रुप क्यों, बगैर ग्रुप के भी जा सकती हैं, हमें इबादत के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप